राग द्वेष असीमता अविद्यावनिवेश सचिदानंद ब्रह्म है ये जीव के पांच कलेश। जीव के पांच कलेश भरे घट घट में नाना, पार ब्रह्म है एक जीव का नहीं ठिकाना। जगत बीच भाग्यो फिरे ज्यू कर का पर काग, जीव ईश का भेद मेरे राम बक्ष अनुराग। Thank you.
समझाओ, विशेष तौर समझाओ। हाँ हाँ नहीं बताओ। अब मेरा लेखा हो गया पूरा। हाँ अब मेरा लेखा हो गया पूरा, लेखो पूरो किया मैं, कि आगे का पीछे का कोई बाकी नहीं रहे। जना इस संसार में आयोज को पूरो काम कर लियो, करत करत्य मतलब करने के लायक कोई बाकी को नहीं। जना किया अब मेरा लेखा हो गया पूरा, जलम मरण की मेटी कल्पना, मेरे मन विषय कोई जन्म की और मरण की कोई कल्पना नहीं रही नहीं। इस जग से मैं क्या मोह बांधा, ये तो सकल अधूरा। क्यों कि आप देखो कोई चीज पूरी नहीं, पूरी गोली सब अधूरी। इस जग से मैं क्या मोह बांधू, ये तो सकल अधूरा। अरे विषय भोग जहर को खावे विष्टे जाए, जी प्रकार सुंडगो गंदगी कन जाए ने, जी हाँ संसार सब दिशियों की ओर दौड़। तो अमृत पान किया मैं भाई, अमृत काई ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान की अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति वो ही अमृत। अमृत पान किया मैं भाई, मिट गया जहर बिकारा, जहर पीवे सो क्या जाना अमृत मिट आया। इस संसार का रस्म लागी उड़े ने बिन ज्ञान वाला रस को उठा। आ तो जगत भूल में चाले अर भूलियोड़ी करे बेवारा, अजी आपा माँ बापा के जन्म ले लियो घर गृहस्थी, हाँ ई साबु चाला जना जमड़ा लूट सी, इन छोड़ अर उजड़ मारे बैठे ने जना पारो प्रोसी। आ तो जगत भूल में चाले भूलियोड़ी करे बेवारा, आत्मदेव प्रगट घट घट में माने न सके, सबके मान परमात्मा भी व्यापक है पर ई बात न को नहीं मान। सत्य कहूं तो सकल दुख मान, अगर असली ज्ञान की बात ज्ञानी फटकार सी ने तो बिन सभी दुखी दुखी बात मान। सत्य कहूं तो सकल दुख माने, माने ना एक लिगारा लगा रहा, उल्टा अर्थ पीछा समझा अपना घर परिवार। माँ बाप ज्ञान की कौन है जना कह तो आग लो आप अलग रही के देशी हाँ। नहीं माना की तो पक्की है कह दे भाई तन जाना था रखाई हुई है। तो सत्य कहूं तो सकल दुख माने, माने ने एक लिगारा, उल्टा अर्थ पीछा समझा अपना घर परिवार। अब मेरा लेखा हो गया पूरा। गुरु सुखराम सत्ता सत्य कहता और ही संत अपारा, मतलब वो आ देखिए सतराम जी के कोई आ नहीं कह दे आप वाला गुरु और ही संत अपार। इस संसार का मान और भी अपार कह गया है, अपार कह रहा है और कहता है और ही संत अपारा। अचल राम सत्य कोई मान ले क्षण में हो बहु टाइम अलग। हाँ एक मकान के मायने पसारी कंजाओ थी, ताड़ो दीवड़े दुकान के फलानी चीज दे फलानी सब की को नहीं मिली, एक चाबी लागी दुकान खुलूगी जचज किसी ले। तो जी यही क्षण में ही एक सेकंड में ज्ञान की प्राप्ति हुई, अंधकार मिट गया और प्रकाश। अच्छा गुरु शिष्य एक हो जाए भी टाइम, गुरु और शिष्य को संबंध को नहीं रहे। असली ज्ञान प्रेत अद्वैत ज्ञान प्राप्त हो जाए दृढ़ अप्रोक्ष प्रोक्ष और अप्रोक्ष और अदृढ़ प्रोक्ष और दृढ़ प्रोक्ष। प्रोक्ष को मतलब ब्रह्म ज्ञान जान गयो कि ब्रह्म ऐसा है परमात्मा ऐसा है, जब तक मोक्ष गामी नहीं ऐसा मैं हूं जान गयो, फिर भी अदृढ़ है हाले दृढ़ अप्रोक्ष कि ऐसा मैं हूं जिसमें कोई हलचल ही नहीं कि मैंने तो वो प्राप्त कर। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।